जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, जिसे हम सभी प्यार से IIT कहते हैं। IIT गुवाहाटी गिनती भारत के प्रतिष्ठित IITs में होती है और यह अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस और अद्भुत कैंपस लाइफ के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1994 में स्थापित यह इंस्टीट्यूट अपनी आधुनिक टीचिंग मेथड्स और रिसर्च एक्सेलेंस के कारण ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। IIT गुवाहाटी का कैंपस शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह कैंपस अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित होने के कारण न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम IIT गुवाहाटी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे की लोकेशन, कैंपस लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और प्लेसमेंट्स, और इसके साथ ही प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस डिटेल्ड जर्नी को, ताकि आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी पा सके। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से यह कैंपस लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 लखटोकिया साइड से बाहर निकलते हैं तो आपको लखटोकिया से IIT गुवाहाटी जाने के लिए लिमिटेड IIT बसेस मिलती है। टैक्सीज और ऑटो रिक्शा भी यहां उपलब्ध है, जिससे कम्यूटिंग आसान हो जाता है। और वहीं कमख्या रेलवे स्टेशन से यह कैंपस लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से भी टैक्सीज और ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाती है। और वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट से IIT गुवाहाटी की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। यह सीमलेस कनेक्टिविटी यह सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट्स और विजिटर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, चाहे वह सिटी सेंटर से आ रहे हो या एयरपोर्ट से। IIT गुवाहाटी का कैंपस लाइफ अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। 700 एकड़ में फैला हुआ यह कैंपस प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ का बेहतरीन अवसर मिलता है। क्लासेस और एकेडमिक्स के बाद यहाँ का सोशल लाइफ भी बहुत लाइवली है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल क्लब्स और सोसाइटीज है, जो हर फील्ड में एक्सेलेंस को प्रमोट करती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे ट्रेडिशनल गेम्स से लेकर स्विमिंग और इंडोर गेम्स के लिए भी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ का जिम पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी फोकस कर सकते हैं। क्लब्स और सोसाइटीज भी कैंपस लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स और लिटरेरी क्लब्स सभी प्रकार के इंटरेस्ट को कैटर करते हैं। कैंपस फेस्टिवल का अपना ही चार्म है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। IIT गुवाहाटी में बीटेक के लिए कई अलग अलग डिसिप्लिन्स है, जो स्टूडेंट्स को उनकी पसंद और कैरियर गोल्स के अनुसार चुनने का अवसर देते हैं, जिनमें है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा एनर्जी इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे। IIT गुवाहाटी में बीटेक में एडमिशन पाना हर स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन इसमें एडमिशन पाना कॉम्पिटिटिव होता है। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कुछ इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिन्हें स्टूडेंट्स को फुलफिल करना होता है। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स को 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट्स के साथ पास होना जरूरी है। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होना जरूरी है, जबकि SC, ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यह रिक्वायरमेंट 65% मार्क्स है, या फिर स्टूडेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20% में होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को JEE मेंस एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल करनी होती है। JEE मेंस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट लेवल यानी JEE एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। JEE मेंस के बाद स्टूडेंट्स को JEE एडवांस एग्जाम में अपीयर करना होता है। JEE एडवांस ही वो एंट्रेंस एग्जाम है जो IITs में एडमिशन का गेटवे है। यह एग्जाम काफी चैलेंजिंग होती है। JEE एडवांस में अच्छा रैंक हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स को ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी JOSA काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है। इस काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को अपने स्कोर और रैंक के आधार पर IIT गुवाहाटी में अपने प्रीफर्ड ब्रांच के लिए सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं। JOSA की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस फिल करनी होती है और उनकी रैंक के अनुसार उन्हें सीट्स अलॉट की जाती है।
अब दोस्तों बात करते हैं कटअप के बारे में, क्योंकि हमने तो मोड ऑफ एडमिशन देख लिया, लेकिन अगर कटअप नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है मोड ऑफ एडमिशन जानने का, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेना काफी कॉम्पिटिटिव होता है। तो जैसा कि एक्सेल सीट पे आपको दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि केवल मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो ओपन कैटेगरी का देखना चाहूंगा ऑब्वियसली, राइट, या फिर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूँ तो ओबीसी एनसीएल का देखना चाहूंगा, और मेरा प्रीफर्ड ब्रांच जो है बस मैं वही प्रोग्राम के बारे में देखना चाहता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग केवल, तो आपको जाना है एकेडमिक प्रोग्राम नेम पे, और इसके अलावा से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ओके कर देना है। और जब आप ओके करोगे तो केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कटअप डिटेल्स यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको देखना है केवल ओपन कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो आपको सिलेक्ट कॉल पर क्लिक करना है, यानी कि डिस सिलेक्ट हो जाएगा सारे के सारे। तो आपने ईडब्ल्यूएस ओपन सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन का भी और ईडब्ल्यूएस का और केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कटअप आ गया है, और ये कटअप है लेटेस्ट 2024 का। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 466 पे ओपनिंग रैंक था, इसके अलावा से क्लोज हो गया था 623 पे ही, कटअप काफी हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा से आप ये भी फिल्टर कर सकते हैं कि आप जेंडर न्यूट्रल का केवल देखना चाहते हैं, फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपर न्यूमेरिक लिस्ट आप नहीं देखना चाहते हो, तो डिसलेक्ट कॉल और उसके बाद से जेंडर न्यूट्रल पे क्लिक करो और ओके करो, जेंडर न्यूट्रल का आ गया। ऐसे काफी इजी तरीके से देख सकते हो। चलिए कुछ और प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया और कोटा तो ऑल इंडिया कोटा होता है ऑब्वियसली, एवरीवन नोज। इसके अलावा से सिलेक्ट ऑल कर देते हैं तो सारा आ जाएगा और जेंडर न्यूट्रल का केवल आएगा। तो आई होप कि आपको कटअप में अब दिक्कत नहीं होगी, आप कटअप काफी अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा से आने वाले वीडियोज में मैं टैबलो पे काम कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कटअप डिटेल्स है उसको एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्राफ के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग सके। अब बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के फी स्ट्रक्चर की। यहाँ फीस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, और इसमें वन टाइम फीस, सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फीस और कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट शामिल है। चलिए जानते हैं इन कैटेगरीज के बारे में। तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से, तो बीटेक और बीडेस प्रोग्राम के लिए इस कैटेगरी में कुल फीस करीब 10 लाख से 11 लाख होती है, और अगर आप ओईबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल फी लगभग 3,80,000 से ऊपर चला जाता है, यानी कि 4 लाख रुपए तक लग सकता है। और अब बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एमईबी कैटेगरी के बारे में। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी में छूट मिलती है, उनकी टोटल फीस लगभग 2,94,000 से 3 लाख कुछ तक होती है। और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं कि इन फीस में मेस फीस और हॉस्टल फीस भी शामिल है। इस तरह आईआईटी गुवाहाटी का फी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल और अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमेशा से एक बेहद इम्प्रेसिव रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर टॉप कंपनीज में जॉब्स ऑफर की जाती है। इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स को सही करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और इसी डेडिकेशन का रिजल्ट है कि हर साल प्लेसमेंट बेहतर होती जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स के बारे में, सीजन 2023 और 2024 के बारे में बात करेंगे। की मैट्रिक देखते हैं अगर, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करें तो 466। इसके अलावा नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीओज कहा जाता है, वो 229 था। हाईएस्ट सैलरी की बात करते हैं तो 2.05 करोड़ पर एनम सीटीसी लगा था। तो अब केवल अगर बीटेक की बात करें हम लोग, तो 23-24 के सेशन में नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो 636। इसके अलावा से मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 2.05 करोड़ पर एनम सीटीसी लगा था। इसके अलावा से मिनिमम सैलरी 5 लाख किया था। इसके अलावा से मीडियम सैलरी, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहता है क्योंकि आधे स्टूडेंट का पैकेज इससे ज्यादा का रहता है, जो कि 19.48 लाख पर एनम देखने को मिलता है। इसके अलावा से एवरेज सैलरी भी काफी इंपोर्टेंट है जानना, तो 25.75 लाख पर एनम यहां का एवरेज सैलरी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा से केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 2.05 करोड़ पर एनम गया है। इसके अलावा से मिनिमम सैलरी 7.50 लाख पर एनम, मीडियम सैलरी 34.50 लाख पर एनम, और एवरेज सैलरी 39.91 लाख पर एनम गया है दोस्तों। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसमें गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंजर, इन्फोसिस और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी और नेशनल लेवल की कंपनीज भी इस कॉलेज में विजिट करती है।
आईआईटी गुवाहाटी अपने स्टूडेंट्स के लिए शानदार हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ हर स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट रूम मिलता है। हॉस्टल में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है। यहाँ पर कुल 13 हॉस्टल्स है जिनमें 11 बॉयज हॉस्टल्स है और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स है। सभी हॉस्टल्स में सिंगल ऑक्युपेंसी रूम्स है ताकि हर स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड स्पेस मिल सके। हर रूम्स में लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स, फैन, चेयर, टेबल और कोट जैसी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की गई है। आईआईटी गुवाहाटी में हर हॉस्टल का एक अपना यूनिक नाम और कल्चर है। इन हॉस्टल्स के नाम नियरबी रिवर्स और लोकेशंस के नाम पर रखे गए हैं, जो कैंपस के नेचुरल ब्यूटी और सराउंडिंग से जुड़ाव को दर्शाते हैं। सभी हॉस्टल्स में एक मेस, कैंटीन, जूस सेंटर, स्टेशनरी शॉप, टीवी रूम, स्पोर्ट्स रूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं है। इसके अलावा हर हॉस्टल्स में जिम और म्यूजिक रूम भी है ताकि स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ और हॉबीज का भी ध्यान रख सके। हॉस्टल्स में अनइंटरप्टेड पावर और हाई स्पीड लेन कनेक्शंस भी है जो एकेडमिक और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए आइडियल है। आईआईटी गुवाहाटी कैंपस न केवल एकेडमिक्स के लिए बल्कि रिक्रिएशन और कल्चरल ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ साल भर स्टूडेंट्स के लिए कई रिक्रिएशनल और कल्चरल एक्टिविटीज आयोजित की जाती है जो उनके कॉलेज एक्सपीरियंस को वाइब्रेंट और मेमोरेबल बनाती है। आइए जानते हैं इन मेजर एक्टिविटीज के बारे में। पहला, टेक्निस। यह आईआईटी गुवाहाटी का एनुअल टेक्निकल फेस्ट है जो हर साल सेप्टेम्बर में आयोजित होता है। दूसरा, अलकेरिंगा। अलकेरिंगा जिसे प्यार से एल्कर कहते हैं, आईआईटी गुवाहाटी का प्रीमियर कल्चर फेस्ट है। 1996 में शुरू हुआ यह फेस्ट एशिया के सबसे बड़े कॉलेज कल्चरल इवेंट्स में से एक है। हर साल जनवरी में 3 दिनों और 4 रातों तक चलने वाला यह फेस्ट देश विदेश से टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। तीसरा, उद्गम। यह एंटरप्रेन्योरल समिट आईआईटी गुवाहाटी के एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सेल द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्गम में वर्कशॉप्स, लेक्चर्स और शो केसेस होते हैं जहां स्टार्टअप और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज के जरिए आईआईटी गुवाहाटी अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक रिच कल्चरल और रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। हर कॉलेज के कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स होते ही हैं और इसे समझना इम्पोर्टेंट है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो सबसे पहले प्रोज बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी का। तो पहला है ब्यूटीफुल कैंपस। आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस भारत के सबसे खूबसूरत कैंपसेस में से एक है। यह हरे भरे पेड़ों, पहाड़ों और 3 झीलों से घिरा हुआ है जो इसे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट बनाता है। यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट स्टडीज के लिए स्ट्रेस फ्री एम्बियंस क्रिएट करता है। दूसरा प्रोज, टॉप कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में से एक है। सेवन सिस्टर स्टेट के प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से पूरे रीजन के स्टूडेंट्स के लिए यह एक मेजर एजुकेशनल हब के रूप में सर्व करता है। तीसरा, इन रिचिंग स्टूडेंट्स लाइफ। आईआईटी गुवाहाटी में स्टूडेंट्स के लिए एक इन रिचिंग लाइफ स्टाइल है जिसमें एकेडमिक के साथ साथ कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। चौथा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी। यहाँ का हॉस्टल लाइफ और कैंपस कल्चर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड डेवलप करता है। पांचवा, हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट सेल बेहद एक्टिव और डेडिकेटेड है। यहाँ के स्टूडेंट्स को हाई पेइंग और रेपुटेड नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिलती है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और स्टूडेंट्स की स्किल्स को रिफ्लेक्ट करती है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। लोकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहला, हालांकि आईआईटी गुवाहाटी का लोकेशन इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट का यह रिमोट लोकेशन एक डिसएडवांटेज हो सकता है। मेट्रो सिटीज से दूर होने की वजह से यहाँ एक्सेसिबिलिटी और एक्सपोजर का थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है। दूसरा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। गुवाहाटी का मौसम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ बारिश का सीजन बहुत लंबा होता है। इन प्रोज एंड कॉन्स के साथ आईआईटी गुवाहाटी एक एक्सेप्शनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ एक इन रीचिंग लाइफ स्टाइल की पूरी अरेंजमेंट है। सही जानकारी के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यह आपके लिए सही चॉइस है। तो दोस्तों, ये था आईआईटी गुवाहाटी का
कंप्लीट रिव्यू जिसमें हमने इसके एकेडमिक्स, कैंपस लाइफ, फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बात की। आईआईटी गुवाहाटी सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट्स एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ दोनों का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको आईआईटी गुवाहाटी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा और कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा अपील करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।